सावन मास में तीसरे सोमवार का मेला होता है जिसकी वजह से छुट्टी होती है। चारों कोणों पर 4 शिव मंदिर है। सबसे बड़ी गति जिला आगरा में यही है। तो आज फिर से स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल मिस्टर पवन ब्लॉग 10 मिलियन पे। तो आज हम आए आगरा के जो कि कैलाश मंदिर है, यहाँ पे बहुत फेमस है ये कैलाश मंदिर। और अभी मैं जो है यमुना रिवर पे खड़ा हूँ। यहाँ मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि ये यमुना रिवर जो है सिकंदरा से थोड़ा इधर ही पड़ती है, मंदिर से ज़्यादा 200 मीटर होगी। और ये शायद आप यहाँ आओ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर घूम के जाना, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी देखने लायक व्यू है और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। तो मैंने यहाँ पर इसलिए शूट किया है ये, क्योंकि आप अगर कैलाश मंदिर आए मंदिर पे घूमने दर्शन करने के लिए तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ का व्यू जो आप मिस ना कर पाएँ। और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का, देखने में बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे कई सारे लोग जो हैं रील्स वगैरह यहाँ पे शूट करने आते रहते हैं, लड़के लड़कियाँ। मैंने भी काफ़ी लोग देखे हैं यहाँ पर शूट करते। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे। और दोस्तों मैं आया हूँ और एटा से, तो एटा से यहाँ पे अभी कैलाश मंदिर जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे कैलाश मंदिर की जो बहुत मान्यता है। तो वहाँ मंदिर पे जाने के बाद आपको शिवलिंग वगैरह मतलब कैलाश मंदिर तो चलेंगे। और यहाँ से देखो वो बोट भी है, और उस बोट का भी आपको एक अलग दूसरा ब्लॉग मिलेगा, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना आप। तो हम बोट में भी घूमेंगे, यहाँ से दोनों ब्लॉग शूट करेंगे। अभी हमें पता नहीं था कि यहाँ पर बोट भी चलती है, लेकिन हमें यहाँ देखी तो हमने अचानक हमारा प्लान बन गया कि हम जो है बोट में भी घूमेंगे। और बोट में घूमेंगे तो बोट का जो है आपको एक नया ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि बोट का अलग होगा और ये कैलाश मंदिर का अलग होगा। तो अभी हम जाने वाले हैं कैलाश मंदिर, तो आपको चलिए हम कैलाश मंदिर का जो है व्यू दिखाते हैं पूरा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना और वीडियो को जो है पूरा देखना दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखोगे तो तभी आपको समझ में आएगा जो कि कैलाश मंदिर की सारी श्रद्धा है, जो मतलब किस पर्पज़ से यहाँ पे ये कैलाश मंदिर स्थापित हुआ था, कैसे यहाँ पे मतलब शिव शंकर ने ये कैलाश मंदिर यहाँ हुआ था। तो वीडियो आप पूरी देखते रहना। तो चलो चलते हैं अभी। दोस्तों आप जो ये देख रहे हो ये आगरा से दिल्ली नेशनल हाईवे पर है, और यहीं गांव पर ये कैलाश नामक गांव है, इसी गांव में कैलाश का मंदिर है और यह नेशनल हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो आप एक बार अवश्य आएँ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कैलाश मंदिर के पास। मैंने ये पूजा की थाली ले ली है और यहाँ से अभी जाएंगे कैलाश मंदिर की तरफ। और यहाँ से हमने एंट्री की थी, और एंट्री करते टाइम अब कैलाश मंदिर पर जा रहे हैं हम। तो आपको दिखाएंगे इस कैलाश मंदिर की श्रद्धा, जो कि यहाँ पर बहुत सारी मान्यता पूरी होती हैं। तो चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। वीडियो पॉज मत करना दोस्तों, वीडियो पूरी देखते रहना, तभी आपको पता चलेगा कैलाश मंदिर के बारे में, इसका क्या सच है। चलिए चलते हैं। ये हुआ कैलाश मंदिर स्टार्ट। यहाँ पे जोत जलाते हैं दोस्तों, तो हम पहले दोस्त जोत जला दें माचिस। और ये दोस्तों मैं जोत जला दूं पहले। तो दोस्तों मैं अभी ये जोत जला दूं यहाँ पे अपनी। दोस्तों मैं अभी जोत जला रहा हूँ, और ये जोत जल जाए उसके बाद चलेंगे अंदर। तो दोस्तों मैंने ये अपनी जोत जला दिया, और जोत चलाने के बाद अभी चलते हैं अंदर। ये रहा कैलाश मंदिर। तो दोस्तों मैंने जो अंदर एंट्री कर ली है, और एंट्री करने के बाद अभी मैं जो अपनी थाली है लेके आया हूँ। थाली जो पूजा पूजा करूँगा अपनी, पहले पूजा कर लूँ उसके बाद मैं आपको मंदिर के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो देखते रहना, वीडियो पॉज मत करना और स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी और कैलाश मंदिर के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो आप देखते रहना, मैं तब तक वहाँ से ब्लिंक पे अपना जल बल अर्पण कर दूँ। Thank you.
तो बाहर ही चलानी होगी पुजारी जी। एक गैलरी में दो भगवान आपको देखने यहीं मिलेंगे, महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि में ऋषि द्वारा ये स्थापित है। सावन मास में तीसरे सोमवार का मेला होता है जिसकी वजह से छुट्टी होती है। चारों कोनों पर चार शिव मंदिर है। सबसे बड़ी गद्दी जिला आगरा में यही है। जिला आगरा में सबसे बड़ी गद्दी है जी। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पूरे आगरे में सबसे बड़ी गद्दी ये है कैलाश मंदिर की। तो और यहाँ बाहर आकर जो है ये नंदी दोस्तों ये जो है ये नंदी महाराज हैं और यहाँ पर भी बहुत श्रद्धा है। यहाँ पे आते हैं लोग तो उसके भले शिवलिंग के जो है कैलाश मंदिर अंदर जल पान चढ़ाकर वहाँ से आके यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाने होते। तो ये नंदी महाराज हैं, यहाँ पे अपनी प्रार्थना को बोलें और अपनी इच्छा से जो कुछ मांगना है वो मांग लें। और यहाँ पे जो बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे सब कुछ मांगने आते हैं और सारी वो मन्नतें पूरी होती हैं। और यहाँ पर देखोगे तो ये बजरंगबली का भी जो है वो मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जो बालाजी हैं राम के भक्त श्री बजरंगबली, जो कि सारे संकट हरने वाले हैं, तो इनका भी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और ये बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, ये यमुना रिवर के पास बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे ही बहुत बड़ी यमुना है, वहाँ पर यमुना बहती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पुजारी से पूछा था, उनसे बात की थी, तो वो बता रहे थे पूरे कैलाश मतलब पूरे आगरा में जो है सबसे बड़ा कैलाश मंदिर यही है और यहीं पे सारी श्रद्धाएँ। और यहाँ मतलब इसके मंदिर के चारों तरफ जो शिव शंकर के चार छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ये यमुना रिवर के पास है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे इतनी बड़ी यमुना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो बोट का भी समाधान है, जैसे कि आप चाहो तो बोट में घूम सकते हो, तो वो बोट का वो है, बोट पर भी आप जा सकते हो। तो यहीं से अब चलते हैं हम बोट की तरफ। और आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, अगर भगवान को मानते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।